अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मखनी कौरमा यानी मटन मखनी कौरमा, जो कि बहुत टेस्टी और आसान रेसिपी है और जायका तो ज़बरदस्त। तो पूछिए ना, आप जिसे भी खिलाएंगे आपकी वाह वाह ज़रूर करेगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। मटन कौरमा बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन का गोश्त लिया है और साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जो कि ये मसाले हमारे जो हैं इस तरह हैं। तो मैंने 2 आंडी जो है प्याज ले लेनी है, 3 आंडी लहसुन ले लेना है, अदरक ले लेनी है और इसमें डालेंगे ये खुशबू वाले मसाले। मैं ये डाल रही हूँ, दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी, थोड़ी जवात्री डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और 3 छोटी इलायची। इन सबको मैंने इसके साथ ही पीस लेना है और इसमें डालेंगे ये फ्रूट, ये डालेंगे मेवे। हमें जो है काजू डाल दिया, थोड़े बादाम ले लेंगे, थोड़े नारियल। अच्छा, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर मेवे पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसके बिना भी मेरा मखनी कौरमा बहुत टेस्टी बनेगा। और इसके लिए चाहिए होगा मक्खन, मैं ऑयलर मक्खन दोनों में बनाने वाली हूँ। 2 आंडी प्याज मैंने दिखाई थी, इसे मैंने रफली कट कर लिए और ये बादाम काजू नारियल पीस लिया है और मसाले मैंने जो दिखाए थे उसे ग्राइंड कर लिया अच्छे से। तो मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया और इसी के साथ इसमें मक्खन भी डाल देंगे। मक्खन और कुकिंग ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल पसंद करते हो उसी के साथ जो है हमें प्याज को फ्राई करना है। मैंने पहले इसमें डाल देनी है प्याज और इसी के साथ जाएंगे हमारे खुशबू वाले मसाले। मैं दालचीनी की 1 लकड़ी डाल रही हूँ और मैंने 1 बड़ी इलायची डाल देनी है, 3 से 4 या 2 जो भी चाहे छोटी इलायची डाल, इसका मुँह खोल दीजिएगा ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर निकल के आए। और 4 से 5 लौंगे डाल देंगे, इसके क्या होगा ना खुशबू अच्छे से निकल के आएगी। लौंगे जो हैं डालेंगे, इलायची डालेंगे तो हमारे कौरमे में जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो इसे मैं गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। प्याज हमारी गोल्डन होने पर मैंने इसे गोश्त डाल दिया है और इसको थोड़ी देर इसी में भुनाई करना है। इसको भुनाई करते रहना है इसको लगातार, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो थोड़ी सी गोश्त में स्मेल होती है ना वो भी चली जाएगी, इसलिए इसको इस तरह से भूनना ज़रूरी है। और इसके भूनने, थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल देंगे दही। दही डालकर भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो भी सैंडी पना हो वो इसी के साथ, दही के साथ भूनने के बाद चला जाए। वैसे गोश्त में, मटन में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आप भूनेंगे ना इस तरह तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा गोश्त का आपका, तो रोटियों में अच्छे से दही चला जाएगा। तो इसे मैं 2-3 मिनट ऐसे ही भून लेती हूँ। तो दही के साथ मैंने अच्छे से भून लिया है और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, लहसुन और जो मैंने खुशबू का सामान पीसा था सब इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ भी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। और इसमें डाल देंगे हम ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने पीसे थे, ये मैंने थोड़े दरदरे रखे हैं ताकि मुँह में आएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। इसको मैं इसके साथ थोड़ी देर भुनाई कर लेती हूँ। थोड़ी देर मैंने मसालों के साथ भुनाई कर ली है, अब इसमें मिलाएंगे ड्राई स्पाइसेस। तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये देखिए मैं ले रही हूँ टर्मरिक पाउडर, बहुत थोड़ा सा नाम भर, 1/2 टीस्पून से भी कम है, क्योंकि जो है इसमें बस रंगत के लिए मुझे डालना है। और इसमें डालेंगे रेड चिली, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, भर के नहीं लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप स्पाइसी पसंद करते हो। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च मैं डाल रही हूँ और कोरिएंडर पाउडर मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के। ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। और इसमें डालेंगे वाइट सॉल्ट, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक तो डालिएगा ही। और इन सब मसालों को डालने के बाद इसमें थोड़ी देर भुनाई करेंगे। इसको मैं लीड लगा के पानी डाल के जितना भी रखना है, क्योंकि इसमें भुनाई अभी हमें और करनी है। थोड़ा जब ये गल जाएगा ना तब ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि मसालों में भी पानी है और गोश्त भी कुछ पानी छोड़ेगा। तो इससे क्या करते हैं, लीड लगा लेते हैं और लीड लगाने के बाद फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो लीड लगाने से पहले मैं इसमें शामिल करूंगी मटन कौरमा, ये बाज़ार में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसका मसाला डालेंगे, इससे टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। तो मैं 1 टीस्पून के करीब डाल दूंगी। अब इसमें लीड लगा दूंगी और मैं गोश्त गलने को रख देती हूँ। तो मैंने जो है 5-6 पीसें ले ली इसमें और इसके बाद हमारा मटन का गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया है। मैंने जो है डाल के चूरी देखी, बहुत अच्छे से गल चुका है। अब क्या करना है, इसमें भुनाई कर लेना। मैंने कोई अभी पानी नहीं डाला, इसका पानी छूटा था उसी में ही गल गया और थोड़ा ही पानी डाला था। और इसको जो है अच्छे से भुनाई कर लेना। देखिए मेरा गोश्त चिकना था इसलिए ऑयल देखिए कितना अच्छा देने को, और इसमें मक्खन की खुशबू, ऑयल इसका, और साथ में मैंने जो है इसमें चिकनाहट ये सब डाल के बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसालों की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ में इसकी भुनाई करते जाएंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा।
अच्छा ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर पसंद करें तो डालें वरना नहीं। अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो बस मैं इसे थोड़ी देर और बुनाई कर लेती हूँ। तो गोश्त हमने अच्छे से भून लिया था, और भूनने के बाद देखिए इसमें पानी मैंने कोई शामिल नहीं किया और अभुना भुना रखा है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे सलसला कर सकते हैं, थोड़ा सालन वाला बना सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी बनेगा। दोनों तरह से ही बना सकते हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके अब दिखाती हूँ। तो लीजिए मेरा मखनी मटन कौरमा बहुत टेस्टी बनकर तैयार है। ये बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी बनता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और जायका तो ज़बरदस्त होता है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे वीडियो यानी कि आपको मेरे कौरमा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा।